नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। जमुई से सुशील कुमार की रिपोर्ट। कई वर्षों की मेहनत व साधना में दबकर तैयार हुआ अभावित संगठन शैलेश। राजनीतिक संगठन से, राजनीतिक पार्टियों से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका मूल मंत्र है छात्र हित और राष्ट्र हित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए काम करते आई है और आगे भी काम करते रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ना यही हम लोगों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब वर्तमान समय में किसी परिचय का मोहताज नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। आज आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री किस तरह के ओजस्वी तेजस्वी हैं, वो भी तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे थे। और वर्तमान समय में जितने भी हमारे उप मुख्यमंत्री की बात कर लें, हमारे राष्ट्रपति की बात कर लें, सारे के सारे लोग, एक समय ऐसा था जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे। हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, वो भी कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रह चुके। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा एवीपी का स्थापना दिवस प्रयास एजुकेशन के सामने हम लोग मना रहे हैं। 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस हुआ, तब से आज तक विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के लिए और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए कार्य करते आ रही है। हम लोग के द्वारा ही आज लगभग जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी 370 हटाने की बात थी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ही काम किया। आज जैसे ही कोरोना महाकाल में भी पूर्ण रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने हर एक कार्यकर्ता तन मन धन से सेवा कार्य में लगे हुए। विद्यार्थी परिषद का इतिहास गौरवान्वित रहा और उसी के मद्देनजर में हम लोग भी कार्य करते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम करेगी। मैं शैलेश भारद्वाज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक, करंसा नगर सह मंत्री, नगर इकाई जमुई। सर, आज़ादी के 2 साल बाद ही 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना हुआ। युवाओं के लिए एक भी मार्गदर्शन संस्था या कुछ भी नहीं था, तभी हमारे पूर्वजों ने सोचा कि क्यों ना एक छात्र संगठन का निर्माण किया जाए। उसी समय से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग को अपनाते हुए इस संगठन का निर्माण हुआ।